उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर। नमस्कार, उल्लास लाइन बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते आज के मुख्य खबरों पर। उल्लासनगर में पानी की समस्या ने विकराल रूप धारण करती जा रही है। इसी वजह से हाल ही में पानी के मुद्दे पर महासभा में जमकर हंगामा हुआ, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर हंगामा हुआ और महासभा स्थगित कर दी गई। शहर में पानी की समस्या की गंभीरता पूर्वक लेते हुए शहर की महापौर पंचम ओमी कालानी और आमदार ज्योति पप्पू कालानी ने आज मंत्रालय में जल स्पंदा मंत्री गिरीश महाजन से मुलाकात की और उन्हें शहर की पानी की विकट समस्या के बारे में अवगत कराया, जिसके बाद माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि जल्द ही पानी की कटौती रद्द कर दी जाएगी। रफ नाव जो हमारे उल्लासनगर में पहले हमको 120 MLD पानी मिलता था, उस पर हम लोग ने 50 MLD पानी बढ़ाकर 170 किया था, जो उनके मिनट्स में भी आया था, मीटिंग हुई थी। लेकिन अभी जो 22% कट हुआ है वो उन्होंने 120 MLD पे कट किया है। हम लोगों को 170 ऑलरेडी मिलता था, बट उनके रिकॉर्ड्स में नहीं है, तो हमको 120 पे कटौती हुई है, तो उसके वजह से हमको 40% फर्क हो गया है। पूरे उल्लासनगर में 40% पानी कट हो गया है। इसके लिए हम सर के पास गए थे, हम ऑल पार्टी, क्योंकि 20th को जो GB हुई थी उसमें मीटिंग हम लोग ने खुद एडजॉर्न की थी, क्योंकि पानी का प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और शहर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू है, बेसिक प्रॉब्लम है लोगों का, तो इसके लिए हम लोग ने खुद इसको एडजॉर्न करके सर से टाइम लिया था। आज हम मिलके आए और हमने सर को रिक्वेस्ट किया कि आप जो 170 MLD है आप उस पर ही हमको सिर्फ उसका ऑर्डर निकालिए और उस पर आप 22% कट करेंगे तो हमको ओवरऑल 15% का फ़र्क होगा और हमको ज़्यादा कुछ पानी का स्केयरसिटी नहीं होगा। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि 4 दिन में उस पर एक्शन लेंगे और हमको ऑर्डर निकाल के देंगे। एक और चीज़ है कि हमको पब्लिक का भी काफ़ी सपोर्ट मिला है। हम लोग ने वाटर लीकेजेस को बंद करने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर चालू किया था उस पर पब्लिक खुल के आके फोटोग्राफ्स भेज रहे हैं और हमसे मदद ले रहे हैं। हम लोग भी आके उनकी हेल्प करके वो वाटर लीकेजेस बंद कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम लोग पानी के कटौती को कंट्रोल कैसे करें वो चीज़ हम लोग फुल ध्यान में रख के काम कर रहे हैं। आज मंत्रालय में जो पानी के विषय में मीटिंग हुई वो अलग अलग विषय सब्जेक्ट अलग अलग लेकर के कि हमारे शहर को जो जितनी पानी की तकलीफ है वो क्यों है और उसको कैसे दूर किया जाए, तो इस विषय पर हुई थी। उसमें 2-3 सब्जेक्ट ऐसे बात हुए थे कि एक तो जो शहद का जो पानी का जो प्रोजेक्ट है वो हम लोग अपने दाबे में लें और वहाँ से सिर्फ पानी आज के दिन में उल्लासनगर लेता है तो वो उल्लासनगर को हैंडओवर किया जाए, उल्लासनगर वहाँ से सिर्फ पानी ले। और दूसरा ऐसे हुआ कि पाले में जो इसकी जामुल में जो हाइट बढ़ा दी गई है उसकी हाइट बढ़ाई है तो वो काम भी आधे में है, क्योंकि आधे लोगों को वहाँ पे एब्जॉर्ब किया गया है और आधे लोगों को नहीं किया गया है, तो उसके विषय में भी बात हुई कि जो आधे बाकी जो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड जो पीपल हैं उनको जल्द से जल्द वहाँ से उनका समाधान किया जाए, उनको जॉब्स दिए जाएँ और उनको रिहेप किया जाए, किस तरह से रिहेप किया जाए, एक ये विषय था। इसके ऊपर गंभीरता से मीटिंग हुई और एक विषय ऐसा था कि NRC कंपनी का एक बारिश बोलते हैं कि छोटा सा धरन था, तो कंपनी तो अभी बंद हो गई है पर वो धरन ऐसा ही यूं का यूं पड़ा है, तो हमने कितनी बार ये मांग की है कि वो जो धरन है वो हमको दिया जाए और या वहाँ पे उसके पास में ही हम एक दीवार बड़ी खड़ी करके और वहाँ पे पानी जो बारिश का पानी होता है वो स्टोर होगा, क्योंकि उल्लास नदी में जितना पानी होता है वो हम लेते हैं खींचते हैं, जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर हम जामुल और जगह जगह से पानी लेते हैं। तो हमने एक ये भी विषय रखा कि अगर वहाँ पे एक धरन बनाया जाएगा जिसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, 12-13 करोड़ का खर्चा है और कल्याण और हम मिलकर के वो कर सकते हैं, तो उसकी हाइट बढ़ाने से दीवार बढ़ाने से पानी बहुत अच्छा खासा वहाँ रुकेगा, जो हमको कम से कम 2 महीने हमारे उल्लासनगर के बहुत अच्छी तरह से उसमें जा सकते हैं। तो ऐसे करके अलग अलग विषयों पे मीटिंग हुई कि हमारे शहर की समस्या जो है जल्द से जल्द कैसे दूर हो।
बाकी तो कितना MLD मिलता है पानी आपको महापौर मैडम ने बताया कि जितना MLD हमको मिलता है और उससे ज़्यादा कटौती होती है। 170 MLD हमारे हिस्से में है पर कटौती उसके ऊपर होनी चाहिए, पर 120-130 पे कटौती हो रही है जिसमें हम लोगों को बहुत लॉस हो रहा है। तो ऐसे हर एंगल से हम लोगों ने प्रेशर डाला कि इस तरह से ये करेंगे तो हमें हमारे शहर को तकलीफ कम होगी और मंत्री महोदय ने उसको मंजूर भी किया। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।